ये थीम आपको क्रिएट करने के लिए आपको एक फाइल चाहिए होगी, जो कि इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना और उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है? मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपके पास एक फाइल आ जाएगा, जो सारा का सारा प्रोसेस आप इसी के अंदर करना है। इस फाइल को आप जिप को आप डिलीट भी कर सकते हो। और ये जो फाइल आने के बाद सबसे पहला स्टेप है आपको इंस्टॉल रेन मीटर। सबसे पहले रेन मीटर इंस्टॉल कर रहे हैं, जिससे ये जितनी भी स्किन है सबके सब इंस्टॉल हो जाएगी। तो ओके पे प्रेस करके नेक्स्ट, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं सेम वही प्रोसेस होता है, ठीक है? आपको ऐसे इंस्टॉल करते हुए जाना है, और सिंपली इंस्टॉल होने के बाद आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा आ जाता होगा, ठीक है? तो उसको राइट क्लिक करके अनलोड स्क्रीन पे आपको क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करके अनलोड, तो सबके साथ मैं ऐसे कर देता हूँ और ये हटा देता हूँ स्क्रीन से। आपके पास अब रेन मीटर इंस्टॉल हो चुका है। अब कोई सा भी आप थीम अप्लाई करोगे तो वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो गाइस आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, जो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया उस पर मैंने आपको 3 वॉलपेपर दिया है, तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी वॉलपेपर लगा सकते हो। सपोज जैसे कि मैं आपको एक लगा के दिखाता हूँ, तो देखो ये वाला एक ये वॉलपेपर है। सेकंड वॉलपेपर ये वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी देखो सेकंड वाला। एंड ये थर्ड वाला जो है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये थर्ड वाला। तो आप लगा सकते हो अपने हिसाब से, आप लगा लेना, ठीक है? मैं ये वाले इससे वाले से करके दिखा देता हूँ। और अब आपको करना क्या है, तो फर्स्ट स्टेप हो चुका, अब हमारा सेकंड है इंस्टॉल। हम स्किन्स को इंस्टॉल करेंगे, तो ये तीनों स्किन्स है। सबसे पहले स्किन को आप डबल क्लिक करोगे, और यहाँ पे पहले अप्लाई इंस्टॉल लेआउट है ना, उसको आपको अनटिक कर देना, फिर इंस्टॉल पे आप क्लिक कर देना। सबके साथ ऐसी प्रोसेस करना है। ये लोड वाले पे आपको अनटिक करके इंस्टॉल पे क्लिक करना है, एंड थर्ड वाला भी, ठीक है? सेम जैसे इंस्टॉल हो जाए आपको बैक पे आ जाना है, ठीक है? अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इसको मिनिमाइज कर देना और नीचे आप आ जाना। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ से भी आप रेन मीटर पे आ सकते हो, या तो आप अपने मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे ऐप में जितने भी देख सकते हो आपका रेन मीटर होगा, रेन मीटर को आप डबल क्लिक करके ओके ही प्रेस कर सकते हैं, तो ये ओपन हो जाएगा। आपको ये ओपन कर लेना है। रेन मीटर जैसे ही ओपन हो जाए तो आप एक बार रिफ्रेश ऑल कर लेना, ठीक है? जिससे सारा सेट हो जाएगा। ये रिफ्रेश ऑल होने के बाद अब आपके पास ये सारे के सारे स्किन्स आ चुके हैं। अब सबसे पहले हम स्किन्स को पहले सेटिंग में कर लेते हैं। यहाँ पे पहला वाला जो आपको दिख रहा है गिना, उस वाले को क्लिक करना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको डेट वाला है उसको ओपन करना है। डबल क्लिक करोगे तो ये आपका डेट वगैरह आ जाएगा, ठीक है? आप ये डेट वगैरह आ चुका है। अब गिना वाले को बंद कर देते हैं। अब जो सेकंड है हमारा वेदर का, जो सबसे लास्ट वाला है, वो आपको मैं ओपन कर देता हूँ। इन चारों में से कोई सा भी आप ले सकते हो। मैं सपोज फर्स्ट वाला ले लेता हूँ, ये हमारा वेदर वाला भी आ चुका है, ठीक है? और जो अब बचा म्यूजिक का, जिससे हमारा मूव होगा, जो थोड़ा सा जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, तो उसके लिए अब आपको ये सेकेंड वाला है लैनो, उसको आपको क्लिक करना है। और यहाँ सॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इसको क्लिक करके और सेटिंग्स पे आपको क्लिक करके यहाँ पे माइक है, माइक पे आपको ओपन करना है, और ये इंट्रो है, डबल क्लिक करोगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है? अब इसमें आपको करना क्या है, सेटिंग सेटअप पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ है। तो सेकेंड वाला मीडिया प्लेयर पे आपको क्लिक करना है, और मीडिया विंडो मीडिया प्लेयर पे आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद विजुअलाइजेशन पे आप इसकी ये सेटिंग वगैरह भी कर सकते हो, जैसे कि ये बार ग्राफ काफ़ी लंबा है अभी, तो इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे देख सकते हो, तो ये रहा बार काउंट, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ से आप इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हो, इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो या पतला भी कर सकते हो अपने हिसाब से, इसका सारा का सारा कर सकते हो, ठीक है? और ये मैं करके दिखा देता हूँ कुछ आपको एक दो। ये करने के बाद आप इसमें कलर वगैरह अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे स्टाइलिंग पे आपको क्लिक करना है, कोई सा भी कलर ले सकते हो। अगर और भी कलर चाहिए इसके हिसाब से तो मोर पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से आप कोई सा भी कलर ले लेना। मैं येलो ले लेता हूँ अभी, और इसके बाद आपको सिंपली क्लोज पे क्लिक कर देना है। अब आपका ये सारा का सारा सेटिंग हो चुका है, इसको कट कर दोगे आप, अब यहाँ पे देख सकते हो। और ये एनए वाला अगर आ जाए आपका लिखा हुआ फालतू में, तो आपको इसको राइट क्लिक करके अनलोड स्क्रीन पे आपको क्लिक कर देना है। एंड आप देख सकते हो ये जो हमारा टाइमिंग है, अब इसको आप कम ज़्यादा भी बड़ा और छोटा भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपको जो आपका माउस है उसका जो व्हील, आप इसके पे रख करके आप इसको जैसे ही ऊपर की तरफ घुमाओगे अपने व्हील को, तो बड़ा होता जाएगा, और नीचे करोगे तो छोटा होता जाएगा। तो इस हिसाब से इस वाले को भी हम सेट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, और अपने स्क्रीन के हिसाब से आपको इसको एडजस्ट कर लेना जहाँ पे आपको लगाना है। और ये जहाँ पे आपको म्यूजिक वाला लगाना होगा उस पर आप ऐसे क्लिक करके कर सकते हो, ठीक है? ये देखो ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है? आप इसके हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हो। ये टाइम वगैरह भी, अगर आप टाइम का कलर वगैरह भी चेंज करना चाहते हो तो डबल क्लिक करोगे टाइम पे, तो ये आपके पास एक सेटिंग सा खुल जाएगा। तो आप देख सकते हो कलर वन है, कलर वन ये व्हाइट वाला हो गया, देखो व्हाइट है, और ये ब्लैक है, तो ये ब्लैक वाला ये मे जो लिखा है वो है। तो आप इस हिसाब से देखो अपना कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। अब मैं येलो लूँ तो देखो ये येलो कलर हो चुका है। आप अपने हिसाब से इसमें आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो मैं अभी कलर ऐसे छोड़ देता हूँ।
अब इसके बाद आपको ये देखो यहाँ पे दिख रहा है टाइमिंग 15:02 हो रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे 12 आवर्स पे आप क्लिक करके क्लोज सेटिंग में करोगे तो ये आपका इस वाले सेटिंग में चेंज हो जाएगा। अगर आप देखो गाइज ये क्या है, आप इतने पे भी छोड़ सकते हो। अगर आप देखो ये मूव हो रहा है तो इस पर आप राइट क्लिक करके सेटिंग पे आपको क्लिक करना है और ड्रैगेबल को ऑफ, जैसे ऑफ कर दोगे तो ये मूव नहीं होगा। सबके साथ आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, तो जिससे ये मूव नहीं होगा अपना स्क्रीन के हिसाब से जब सेट करने के बाद। अब एक चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि ये आपका जो लेआउट है, मतलब ये जितने भी आपके मेन्यू है, आप सिंपली या तो आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके और अपने सारे आइकन्स को यहाँ सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे भी एक लाइनिंग बना करके आप अच्छा लुक प्रोवाइड कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो जो अगला नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगा तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन वो ऑप्शनल है, करना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ तक भी आपका सही है। अगर आप ये इनको भी हटाना चाहते हो तो राइट क्लिक करके व्यू पे आप जैसे ही अनटिक कर दोगे सो डेस्कटॉप आइकन, तो ये आपका आइकन हट जाएगा, आपका फाइनल लुक कुछ ऐसा नजर आएगा। लेकिन आपको जरूरत पड़ेगा मेन्यू वगैरह का तो उसके लिए आप उसको ले आना, तो वही सही रहेगा। और यहाँ से मैं शो कर लेता हूँ, और इन वाले को जितना भी है ना आप यहाँ पे आप लाइनिंग कर लो ना, वही बेस्ट रहता है। मैं तो वही करता हूँ, मैं ज़्यादातर वो अगला स्टेप जो मैं आपको बताऊंगा वो ऑप्शनल है, वो मैं नहीं करता हूँ वैसे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो आइकन पैक है तो वही वाला फाइल को जो मैंने आपको दे रखा था उसको ओपन कर लेते हैं। अब आइकन्स वाला जो फोल्डर है, इस आइकन्स वाले को जो खोलोगे आप, यहाँ पे PNG आएगा, आप इसको सिंपली यहाँ से या तो पूरे का पूरे फोल्डर को, यहाँ पे आइकन वाले फोल्डर को आप कॉपी कर लो, ठीक है, और आपको अपने माई कंप्यूटर पे आ जाना है। माई कंप्यूटर पे जैसे आ जाओगे, सी ड्राइव है, सी ड्राइव पे आने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। आपको माई कंप्यूटर पे आपको सी ड्राइव में अपने आने के बाद ये वाले फाइल को पेस्ट कर देना है और इसको सिंपली कट कर देना। ये आपका थर्ड स्टेप हो चुका है। फोर्थ स्टेप पे आपको डबल क्लिक करके ओपन करना है और ये वाला जो एक नॉक्सेस सेटअप है आपको क्लिक करके ओपन करना है, यस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट ओके पे और आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट 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 इंस्टॉल आपको ये इंस्टॉल कर लेना है और फिनिश पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे ये रेंडर ये कुछ ओपन होगा। अब देख सकते हो आपके टॉप पे ये कुछ ऐसा आ चुका है। अब इसको सेटअप करने के लिए आप पहले तो ये जो फाइल है आप इसको बैक आ जाओगे। आप आपका फिफ्थ वाला है कॉन्फ़िगर, आपको कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए आपको ये नॉक्सस पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद जैसे ये ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको सेकंड जो लास्ट है यहाँ से एडवांस, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे रिस्टोर का है, रिस्टोर पे आपको क्लिक करना है और ये जो फोल्डर था आपको वो वाला फोल्डर सिलेक्ट करना है। डेस्कटॉप पे मैंने वो दे रखा था, ये वाला है स्टेप, और इसको जो फिफ्थ वाला है कॉन्फ़िगर उसको ओपन करेंगे तो यही वाला, इसको ओपन करके यहाँ पे ओपन पे आप प्रेस कर दोगे तो आप देख सकते हो, और यहाँ पे आपको ओके पे प्रेस कर देना है। अब इसको आप मिनिमाइज कर लो, अब देख सकते हो ये अब आइकन्स वगैरह आ चुके हैं। अब आइकन्स में आपको यहाँ पे सेट कैसे करना है मैं वो भी बता देता हूँ। अब कोई सा भी जैसे ये आइकन है इसको आप ले करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो यहाँ पे आइकन ये ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। एक स्टेप ये हो गया और सेकेंड स्टेप है, अगर आप इस आइकन्स को चेंज भी करना चाहते हो तो आपको सी ड्राइव ओपन कर लेना है यहाँ से माई कंप्यूटर पे आने के बाद सी ड्राइव, और यहाँ पे हमने आइकन जो पैक को चेंज कर रखा था यहाँ पे पेस्ट कर रखा था, यहाँ पे आप कोई से भी आइकन को यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ से कोई से भी आइकन को लेकर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे यहाँ पे ये यह फोल्डर बन जाता है अपने आप। तो एक स्टेप ये भी है, आप इस हिसाब से भी कर सकते हो। अगर कोई से आइकन को हटाना चाहते हो तो राइट क्लिक करके यहाँ पे रिमूव फ्रॉम डॉक है उसको आप जैसे क्लिक करोगे ये हट जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे करके रिमूव भी कर सकते हो या ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला भी सकते हो यहाँ पे किसी भी आइकन्स को। अगर आपको चेंज करना आइकन को तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ऊपर में डॉक प्रॉपर्टी है आपको सिंपली ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपको चेंज आइकन है इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे अब आपसे लोकेशन पूछेगा तो आपको माई कंप्यूटर वाला लोकेशन आपको ओपन कर लेना है जहाँ पे हमने वो आइकन वाले पैक को इंस्टॉल करा था। तो आप देख सकते हो यहाँ तक पूछ रहा है, तो यहाँ पे मेरा सी ड्राइव है, सी ड्राइव पे ओपन करा और यहाँ पे हमारा आइकन से आइकन को ओपन करा, इसको भी ओपन करा। अब अपने हिसाब से जो आइकन है जैसे माई कंप्यूटर है तो आप इसमें माई कंप्यूटर ढूंढ लेना और इस हिसाब से इसको अप्लाई कर लेना। तो मैं अभी कोई सा भी एक रैंडम दिखा दे रहा हूँ, मैं अभी जैसे कि मान लो ये वाला आइकन है इसको मैं ओपन पे प्रेस करूँगा तो अब ओके पे प्रेस करूँगा, ओके आप देख सकते हो ये आइकन हमारा चेंज हो चुका है। इस हिसाब से आप सारे आइकन को चेंज भी कर सकते हो। ये सेकेंड ये ऑप्शनल है जितने भी मैंने आपको ये दिखाए हैं, ठीक है, आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। मैं जरूरी नहीं है कि आपको ये वाला करना है, अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है। यहाँ से अब आप अपना फाइनल लुक देख सकते हो, ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे सारे आइकन्स को आप अपने आप हिसाब से अरेंज कर लेना और फाइनल लुक कुछ ऐसा है। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आ रखे हो तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं और भी जैसी फ्यूचर में
आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपने थीम को अप्लाई कर सको अपने कंप्यूटर पीसी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।